आप सभी का स्वागत है प्लाज्मा न्यूज़ पर। मैं आपके साथ रिजवान खान। ये सीधी तस्वीरें मैं डीसीपी ऑफिस से दिखा रहा हूँ। भरम सिंह जो नेता हैं, इलाके के जाने माने आतिफ रशीद साहब हैं, वकील कुरैशी साहब हैं, शाहनवाज साहब, ये सब लोग डीसीपी से बाबू भाई को लेकर मिले, इंसाफ की गुहार लगाया। बाबू भाई, आतिफ रशीद साहब माइनॉरिटी में हैं, इतने बड़े पद पर हैं, वो आपके लिए सड़क पर उतरे हैं, डीसीपी से बात क्या आप कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा, ये हम तो आ भी नहीं सकते थे, रशीद साहब नहीं होते तो हमको लेकर आए यहाँ। ये बहुत कोशिश में है और सब कुछ उन्होंने मैडम से बोला, पुलिस पर दबाव डाला, बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल, आतिफ भाई ने दबाव डाला, खुद भरम सिंह है। आतिफ भाई, एक बार मैं चाहता हूँ कि जो डीसीपी से बातचीत हुई है वो ज़रूर आप बता दें, ताकि हमारे दर्शक जो देख रहे हैं वो समझ सके क्या बात है। डीसीपी मैडम ने मुझे बताया है, उन्होंने एसएचओ को भी बुला रखा था, एसीपी को भी बुला रखा था, कि इसमें बाबू भाई ने 7 लोगों की नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिसमें अब तक 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, बकिया 3 लोग भी कानून से बचकर नहीं भाग सकते, अभी फरारी पर हैं वो, बहुत जल्द उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस जगह जगह दबिश डाल रही है और उनको ज़रूर पकड़ कर लाएगी। आपको उम्मीद है भरम साहब कि पूरा इंसाफ मिलेगा इस परिवार को? बिल्कुल बिल्कुल, न्याय मिलेगा और मंत्री जी ने सिफारिश की है निश्चित तौर पर, और पुलिस महकमा बहुत तेज़ी से कार्रवाई कर रहा है इसके ऊपर। बिल्कुल, बहुत कीमती वक्त दिया आप सभी लोगों ने। थैंक यू फॉर वॉचिंग प्लाज्मा न्यूज़।